मुझे ये मंजूर नहीं। अपने मुल्क में अपनों की सलामती चाहती हो तो पहन लो ये निकाह का जोड़ा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो, कबूल है। अरमान, माना हमने एक सरहद है दरमियाँ, पर तुम्हें बचाने के लिए पार करूंगी हर इम्तिहान। मुझे ये मंजूर नहीं। अपने मुल्क में अपनों की सलामती चाहती हो तो पहन लो ये निकाह का जोड़ा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो, कबूल है। अरमान, माना हमने एक सरहद है दरमियाँ, पर तुम्हें बचाने के लिए पार करूंगी हर इम्तिहान। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारियां के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जहां पर अरमान को करनी पड़ेगी आलिया से शादी। क्या आलिया का प्लान हो जाएगा कामयाब? आलिया जिस तरीके से बेहोश हो जाती है अरमान के घर वालों के सामने और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, फिर पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, तो ये आलिया का जहां तक लग रहा है ये ड्रामा ही है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो, कबूल है। अरमान, माना हमने एक सरहद है दरमियाँ, पर तुम्हें बचाने के लिए पार करूंगी हर इम्तिहान। और अब आलिया प्रेग्नेंट है और आलिया भी ऐसे जो है प्रटेंड करती है कि उसे जैसे कुछ पता ही नहीं, तो यहाँ पर अब राजा का जो बच्चा है, राजा तो मर चुका है लेकिन राजा का बच्चा आलिया की कोख में है, तो आलिया की बच्चे के लिए बाकी घर वाले चाहते हैं कि अरमान आलिया से शादी कर ले। तो जिस अकॉर्डिंग प्लान चल रहा है तो भाई ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आलिया का ही बना बनाया प्लान है। दूसरी तरफ सुखी ने अरमान को कहा है, ठीक है राजा का जो है कुछ दिन है राजा के बर्थडे तक का, हम वेट कर लेते हैं और फिर जो है तुम्हें लेकर आना पड़ेगा आसमा को, और अगर तुम नहीं लेकर आए तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे आलिया के साथ, क्योंकि आलिया के बच्चे को राजा के बच्चे को किसी का तो नाम देना ही है, तो भाई तुम क्यों नहीं। आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे देखिए एक नियति का खेल है ना, जिसे तो आलिया ने तो खुद बनाया है, लेकिन वो ही सुखी जो कि आलिया के साथ शादी करने ही देना नहीं चाहता था, वही सुखी आज आलिया से अरमान की शादी कराना चाहता है, और आज वो दिन है कि अरमान शादी नहीं करना चाहता आलिया से। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।